आलू का भाव क्या हो, आलू किस देश प्रदेश में जा रहा है, आलू का विभिन्न राज्यों में क्या रेट है, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है और ट्रांसपोर्ट जो है विभिन्न राज्यों में सरकार ने बंद कर रखा है, ऐसे में वहाँ के राज्य के निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलू एक प्रमुख फसल है और प्रमुख उत्पाद है, आलू सब्जियों का राजा भी कहा जाता है और आलू की विशेष डिमांड होती है, लेकिन जब दिल्ली की सारी मंडियाँ बंद हैं, हरियाणा की आज ही लॉकडाउन लगाया है और आज ही सारी मंडियाँ ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, राजस्थान में भी पहले 3 तारीख तक था, अब 12 तारीख तक लॉकडाउन लगा दिया है, इससे स्थिति जो है कोरोना से काफ़ी भयावह होती जा रही है और इसको उससे ज़्यादा भयावह होती जा रही है आलू की कीमतें, क्योंकि आलू की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, आलू की कीमतें या तो बढ़ जाती हैं या गिर जाती हैं, ऐसी स्थिति में आलू किसानों के सामने एक बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हुई है कि आलू का देखें या रखें, इसीलिए आज हम कोल्ड स्टोर में मौजूद हैं और कोल्ड स्टोरों से लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं कि जो आलू है आपका बिकेगा फिकेगा नहीं, और इसी सिलसिले में आज हमारे कोल्ड स्टोर में मौजूद हैं और हम आपको बारीकी से बताएंगे कि आलू का रेट क्या है और आलू कितना फ़ायदेमंद आपको फ़ायदा दे सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और जानते हैं क्या है आज के आलू के रेट और कहाँ जा रहा है आलू इस लॉकडाउन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बस एक ही निवेदन करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपको दिखाते हैं अब ये वीडियो और आप देखिए, थोड़ा कैमरा में नीचे दिखाएं, ये देखिए आलू है 37-97 आलू है और ये दो पैक खोले गए हैं सैंपल के तौर पर, ये व्यापारियों ने आलू खरीदा है, व्यापारी से भी जानेंगे और इसका जो रेट हुआ है वो 525 में हुआ है, व्यापारी ने कितना खरीदा, क्या रेट दिए और कब तक इन्हें रेट मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं कि रेट जो है कोई नगद नहीं देता, 30 दिन बाद देते हैं, देखिए भाई ऐसा नहीं है, व्यापारी को डिपेंड करता है, व्यापारी अब जो है लॉकडाउन चल रहा है तो नगद पेमेंट दे रहे हैं और खुद किसान भी नगद पेमेंट मांग रहे हैं कि हमें नगद दीजिए नहीं तो हम नहीं बेचेंगे, इस सिलसिले में पेमेंट जो है नगद ही दिया जा रहा है। थोड़ा कैमरा मैन जी देखिए, चाचा किसान मौजूद हैं और किसान से पूछते हैं क्या रेट में आलू बेचा है और क्या मजबूरी रही है, क्यों बेचा है? मैं किसान बोल रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह, गांव नगला कला कोल्ड स्टोर पर खड़ा हुआ हूँ मैं, मैंने अपना आलू बेचा है 1000 पैकेट क्या रेट, 525 रुपये में, 525 में, हाँ जी। क्या साइज है इसका? साइज है मीडियम साइज है, बढ़िया आलू है और ऐसा है कि बाकी आलू मेरे पास और भी रखा है। कितने कट्टे रखे हैं? 5000 कट्टे हैं, इसमें से 1000 कट्टे बेचे मैंने। और आगे क्या इरादा है आपका? आगे ये है कि पोजीशन ज़्यादा मजबूत होने की नहीं है, आलू देखते हुए जरूरत के लिए 1000 कट्टा बेचा है, आगे धीरे धीरे और भी बेचना है। क्या आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं? क्या आप हमारे चैनल के क्या? हाँ, हम इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो चैनल पर आती है ये बातें वो सच आती हैं, गलत नहीं है, उस चैनल को देखते हुए ही हमने आलू को निकाला 1000 पैकेट को पोजीशन देखते हुए, अभी 4000 कट्टे और हमारे पास बाकी हैं, उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे आप? धीरे धीरे निकालेंगे, अब 1000 पैकेट अब बेच दिया है तो थोड़ा टाइम लेंगे, 10-15 दिन फिर निकालेंगे, बेचना ही है आलू, तो कोई आगे ज़्यादा मजबूती नहीं है आलू की। क्या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल पर, क्या उन्हें क्या सलाह देना चाहिए? मैं सलाह ये देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि आलू को अपने को धीरे धीरे निकालें, ज़्यादा आलू है जैसे है किसी पे 1000 पैकेट है तो 500 निकालें, ज़रूरतमंद के लिए, उससे ऐसा है कि उससे काम भी चलेगा और आगे पोजीशन आलू की ठीक नहीं रहेगी। बताइए आगे क्या हमारे चैनल के लिए दर्शकों को कहना चाहेंगे? सहायक हम इस चैनल से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और भी भाइयों से निवेदन करते हैं कि इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। क्या हमारा चैनल आपको सही सूचना देता है? बिल्कुल सही सूचना देता है चैनल ये, कोई इसी वजह से हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो आलू भी आपने हमारे चैनल से वीडियो जो सर्कुलेट हुई हैं, वीडियो जो दिखाई जा रही हैं, उससे इंस्पायर होकर कि हमें आलू बेचना चाहिए, क्या यही वजह? हाँ, यही वजह है कि चैनल की रिपोर्ट सही गलत नहीं देती है चैनल।
व्यापारी मौजूद हैं, व्यापारी से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हम लगातार आलू किसानों के हित में बात करते हैं और आलू किसानों की स्थिति बताते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, उन्हें भ्रमित नहीं करते हैं और चैनलों की तरह हम बिल्कुल एक्चुअली रेट दिखाते हैं, जो रेट चल रहा हो कोल्ड स्टोरों में, जो मंडियों में, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आलू किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है और खुद कोल्ड स्टोर के मालिक भी यही चाहते हैं कि उनका जो जो रेट है वो अच्छा रेट मिले और कोई ख़राब रेट ना मिले, लाभकारी मूल्य मिले। और जो कोल्ड स्टोर मालिकों का सादात केसरी का काफ़ी ट्रस्ट है और वो लगातार यही कह रहे हैं कि आप जुड़ें तो सादात केसरी के साथ जुड़ें, अन्यथा कोई और चैनल देखने से बढ़िया है कि आप अपना यूट्यूब बंद कर दें। हमारे साथ जो व्यापारी मौजूद हैं, व्यापारी जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कितने पैकेट आलू खरीदा है और कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमें सूचना बताई गई थी हरियाणा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो लॉकडाउन लगा है उसके बाद में मंडियाँ ठप पड़ी हैं, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का आलू काफ़ी अहमियत रखता है और इनसे जी मैंने अभी इन्हीं किसानों के 1000 पैकेट 525 रुपये के रेट से लिए हैं। आपके सामने भी गाड़ी लोड हो रही है अभी, वो भी दिखाइएगा आप लोगों को। लॉकडाउन की स्थिति की वजह से आलू की स्थिति थोड़ा ज़्यादा नाजुक हो चुकी है इस टाइम, तो किसान कुछ किसान भी ये सोचे हैं कि आलू की आगे आघात के लिए अपना कोल्ड स्टोरेज पर पहुँचें, आलू को दिखाएँ, जो भी रेट लग रहे हैं, किसी पे 5000 कट्टे हैं, 3000 हैं, 1000 हैं, जो भी हैं, उसके हिसाब से आलू अपना निकालना शुरू करें। मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपना आलू अभी से निकालना शुरू करें, अन्यथा पीछे जाके आलू का स्टॉक रुकेगा, परेशानियां आएंगी, रेट में तो आप देख ही रहे हो अपडाउन चल रहा है। तो किसान भाइयों, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, जैसे मैं इनका चैनल देखता हूँ, इनका चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे इनको इंस्पायर होकर इनको बुलाना पड़ा है कि आपका जो वीडियो देते हो वो आपका वीडियो बिल्कुल सही है, रेट भी सही बताते हो, किसानों को जानकारी भी सही देते हो, इसलिए मैंने कि एक बार हमारा भी वीडियो बना के यहाँ आप बताएं किसानों को कि आलू का आगे क्या होने वाला है, लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कुछ सर जो जो किसान हैं वो लॉकडाउन को व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं जैसे उन्हें 1000 रुपये कट्टे का दाम मिल जाएगा, क्या जी ये जी सही जी, जी नहीं बिल्कुल ये रेट तो होने के ही नहीं है, क्योंकि आलू मात्रा में भी काफ़ी ज़्यादा है, लॉकडाउन की वजह से मंडियाँ भी 3 घंटे खुली हुई हैं। अब बताइए 8 या गाड़ियों को ले जाने के बाद कितने टाइम में बेचेगा उसको, जो है 3 घंटे का टाइम कोई ज़्यादा नहीं होता है, गाड़ी को बेचेगा भी, लदवाएगा भी, पैकारों को देगा, हिसाब भी बनाएगा, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, गाड़ी एक दिन में नहीं बिक पाती है। पहले क्या था, एक एक आड़तिया दो तो 4-4 गाड़ियाँ बेच देता था, लेकिन अब एक गाड़ी बेचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए आपने सजेशन दे दिया, हमारे चैनल के बारे में किसानों से क्या अपील करना चाहिए? जी मैं यही कहूँगा कि इनके चैनल से आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनकी जो न्यूज़ मिलती है वो रेट जो एक्चुअल चलते हैं मंडियों को वही रेट आपको बताते हैं, क्या स्थिति चल रही है आलू की वही चीज़ ये आपको बताएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका चैनल देखें और अपने भाइयों को, बंधुओं को, सबको सब्सक्राइब करें और भेजें। तो देखिए किसान थे और व्यापारी भी थे और जो आलू का रेट है वो अप डाउन यानी उतार चढ़ाव बड़ा चल रहा है और एक किसान ने 1000 कट्टे बेच दिए और उनका साफ कहना है कि जो आगे वाले समय में वो हौले हौले करके यानी धीरे धीरे करते हुए अपने पैकेटों को बेच देंगे और जो बचेगा 500 पैकेट वो अपने आलू बुवाई के लिए रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्हाट्सएप ग्रुपों में और जो अपना आपस में किसान चर्चा करते हैं कि लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन से हमें बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन लॉकडाउन से अभी फिलहाल कोई बेनिफिट दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई भी मीडिया कर्मी हो। बहरहाल आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं वीडियो क्वालिटी के साथ विश्वास वाली भी, क्योंकि विश्वास ही हमारे चैनल की परंपरा है। हम आलू किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एक कोल्ड स्टोर से दूसरी कोल्ड स्टोर की तरफ जाते रहते हैं और दिखाते हैं सीधा लाइव कि आपका आलू सिर्फ बिकेगा नहीं। अगर आप इस बार मेंटेलिटी को पाले हुए हैं कि हम के आलू किसान लॉकडाउन लग गया 1000 रुपये कट्टा बिकेगा, तो ये थोड़ा अभी असंभव लग रहा है, हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है डाउन भी हो जाए, लेकिन हम तो आप किसान भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि आपके पास में जितने भी कट्टे हों हल्के थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, जिससे कि आप एवरेज यानी औसत लाभ ले सकें, अन्यथा जो स्थिति बनेगी उसके जिम्मेदार आलू किसान सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा, ना हमें खरीदना ना ही किसी और को, सिर्फ व्यापारी को खरीदना है, आपको बेचना है। तो ऐसे आप अपने हित में, आलू किसानों के हित में
ज़्यादा से ज़्यादा आलू को निकालते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।